नहीं जी, हमारे जो है ना वो लेग पीस आ गए और आज इनका जो है ना वो फर्स्ट टाइम मैं इनको टेस्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। गुजरांवाला में अगर आपको टेस्ट के लिहाज से अगर कोई तिक्का चाहिए और आप ये चाहते हैं कि आपको मतलब एक अच्छा खाना आपको मैसर हो, तो उसके लिए आपको शहबाज टिक्का नहीं आपको जाना, जहाँ पे बटेरे और ये और वो ये चीज़ें मिलती हैं आपको वहाँ नहीं जाना। ये मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बैक साइड पे, ये शहबाज टिक्का की पुरानी ब्रांच है और ये पुराने हैं, लेकिन मुझे रिकमेंड किया गया कि आपने एक और जगह पे आपको खाना जो है ना वो खिलाएंगे और वो जगह है दूसरी और वो है मोहम्मद टिक्का शॉप। देखें जी, ये है मोहम्मद टिक्का शॉप और इनके आप देखें कि इनके कबाब जो है वो माशाल्लाह से अभी तो मैं टेस्ट करूंगा तो फिर इंशाल्लाह आपको। हाँ जी, तो मैं आपको ये दिखाऊं कि आपने सलाद मुख्तलिफ जगह पे खाया हो, लेकिन आज मैं आपको ये सलाद दिखाता हूँ कि ऐसा ज़बरदस्त। देखें, पुदीना और हरा धनिया यानी उसकी चटनी बना के, ये जो प्याज और टमाटर है, सिर्फ ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों के ऊपर जनाब इन्होंने ये इसको बनाया है और इसके साथ रायता सर्व किया है। अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला टिक्के आते हैं तो फिर आप वो भी दिखाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ कि आप जब ये खाते हैं यानी एक किसी भी लिहाज से उसमें वो नहीं करेगा ये। एक बार इसको जरा टेस्ट कर दें, क्या बात, बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में इसको जो है ना वो सर्व किया जाता है यहाँ पे, मतलब कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं है, इसमें जेन्युइन चीज है। उस्ताद जी, थोड़ा नाम की है बाऊ, तुम बाऊ कहते ने थे। अच्छा, मैं दसो कि भी थोड़ी स्पेशलिटी जी ना, मतलब खास चीज थोड़ी की है, कबाब ने या कोई टिक्के, मतलब कबाब या टिक्के दोनों जो केड़ी स्पेशल चीज। कबाब स्पेशल है, टिक्का भी स्पेशल है, लेग पीस स्पेशल। अच्छा, लेग पीस स्पेशल है। तो कितनी पुरानी दुकान है? पचहत्तर साल पुरानी दुकान है, यानी कि गुजरांवाले के अंदर सब काफी पुरानी। अच्छा, शबाज टिक्का तो पहले दे हो? उस तो भी 30 साल पहले दे। ओ वाओ, माशाल्लाह। ते हाँ, अच्छा माशाल्लाह। भाई कह रहे हैं कि भाई अगर टेस्ट लेना ना, आपने टेस्ट अगर चाहिए तो फिर टेस्ट के लिए इधर आए, और अगर आपने नाम की तरफ जाना। अच्छा, मेरा अपना जाती तजर्बा ये है कि आप हमेशा ट्रेवल करते हैं टेस्ट की खातिर, तो जब आपको टेस्ट अच्छा मिले तो आप नाम की तरफ नहीं जाते। अच्छा बाऊ जी, मैं यह दसो कि भाई तुसी शुरू तो ला रहे हो या थोड़े तो पहले कौन लाता सी इतने? अच्छा, थोड़े वाल साहब लाते होंगे सी। जुबैर भाई, आप टिक्का लगाने के प्रोग्राम में है मेरा ख्याल, आप इधर आ जाए, पीछे आ जाए, जरा बाऊ जी को काम करने दें। वो पैक कर लगे फिर लग भी आया। कितना? 100 टिक्का, 100 टिक्का, 100 कबाब, वेरी गुड। अच्छा, केड़े केड़े कबाब तुसी केड़े केड़े बनांदे हो? कबाब केड़ा केड़ा बनांदे हो ज्यादा? चिकन, मटन, बीफ? बीफ नहीं बनांदे? अच्छा, बिलकुल बिलकुल सही समझ आई। बोटियां इतना मुनासिब नमक, इतनी मुनासिब मिर्चें, सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई इसको गार्निश बड़े अच्छे से किया गया। ये इनका मटन, और मटन भी ये जो अक्सर लोग ना ये लगाते हैं कचरी और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो केमिकल लगाते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइए इसको गलाने के लिए क्या लगाते हैं? इसको गलाने के लिए, हाँ, ये इसको गलाने के लिए ये चिकन का जो बारवी दही का मसाला, दही लगाते हैं। हाँ, कचरी नुकसान दे जरा। अच्छा अच्छा, मैदे को नुकसान पहुंचा। मटन का टिक्का और बोनलेस है और इतना लजीज है ये कि लग ही नहीं रहा कि भी आप इसको ये हांडी में पका हुआ है या ये बारबेक्यू हुआ है, यानी इतना मुनासिब है। अब मैं आपको बताता हूँ इनका, ये मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ,
ये इनका मटन कबाब है। मैंने इससे पहले इतना जूसी कबाब मैंने नहीं खाया। और आप ये यकीन जब आप आएंगे यहाँ पे बिल्कुल शराबिका के ऑपोजिट उसके सामने एक छोटी सी दुकान है, वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ये आज ये बात यहाँ पे साबित हो रही है, छोटी दुकान है और मीठा पकवान इसके बिल्कुल अपोजिट ऊंची दुकान है और फीका पकवान। तो आप जरूर है गुजरावाला को, आप तो वैसे ही आप जानते हैं कि गुजरावाला बंदा है और खाए पिए बगैर जाए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे खाना पीना करके जाएंगे तो आपको गुजरावाला का मजा आएगा। और गुजरावाला के बारे में बात वैसे भी जरूर है कि जो आ रहे हो जी खा के आ रहे हैं, चले कितने खाने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें।